प्रातः क्लास चल रहा था 7 अक्टूबर 1967 शनिवार को। तीसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी रुद्रमाला की कि पूजी नहीं जाती है, सिमरी जाती है। फिर वो ही माला के दाने जा करके विश्वपुरी का माला का दाना बनेंगे, राजधानी में नंबर बार जाएंगे। राजाओं की धारणा शक्ति है ना, तो राजाएं और उनकी धारणा शक्ति दोनों का मेल है। तो यहां से रुद्रमाला के मण के भी नंबर बार जाएंगे। देखो जब माला फेरी जाती है ना, पहले एक गुड़िया आता है, है उसको क्या कहते हैं पहले वाले को, है कल बताया था, है मेरू। शास्त्रों में लिख दिया है मेरु पर्वत। अब है ऊंचे के ऊंची स्टेज की बात, तो विजयमाला में वो है मेरु युगल मणका और रुद्रमाला में है फूल ऊंचे के ऊंचे, क्योंकि रुद्राक्ष कहे जाते हैं ना, तो बीज रूपात्माएं हैं, आत्मा बीज है ना, बीज माने कारण। तो उन बीजों का जो आत्मा रूपी बीज है उनको बनाने वाला कौन, ऐसे तो कहते हैं कि आत्मा बनती नहीं बिगड़ती नहीं, परंतु अपने स्वरूप को भूल जाती है ना, तो जैसे बिगड़ गई तो उसको आकर के कौन स्मृति दिलाता है, बाप आकर के स्मृति दिलाते हैं। तो बाप है हल्के ते हल्का फूल रुद्रमाला का, तो एक माला यहां हमेशा रख दो। क्या वो तो सदा काल रहती ही रहती है, नहीं तो माला लगी हुई है यहां और ये ढकी हुई है इसके अंदर में, तो किसी ने कहा इधर बाबा, हां यहां ये देखो माला है ना बच्चे, तो देखो ऊपर में है फूल है, फूल माने हल्का फुल्का है, पीछे आते हैं दो दाने, तो वो तो सदैव हल्का फुल्का है। दो दाने का मतलब ही है प्रवृत्ति, रुद्रमाला माने प्रवृत्ति या निवृत्ति, प्रवृत्ति कहें प्रकष्ट वृत्ति,
वृत्त से वृत्ति बनती है, है? वृत्त माने घेरा। शिव के मंदिर में शिव के चारों ओर अर्घा बनाते हैं ना, गोल अर्घा। हाँ, तो वो समझते हैं कि वो निराकार है। अब निराकार है तो प्रवृत्ति कहेंगे नहीं, प्रवृत्ति तो तब कहें जब दो आपस में पूरे ही मिले है। तो बताया देखो, ये माला है, प्रवृत्ति मार्ग की। तो अब बताओ ये प्रवृत्ति मार्ग कहां से शुरू होता है, है? ब्रह्मा और ये सरस्वती ये बच्चों से यहां से है, जो फिर ये जाकर के देवता बनते हैं। जा करके देवता बनते हैं कि यहां ही बनते हैं, है? ब्रह्मा और सरस्वती जाके बनते हैं, तो यहां प्रवृत्ति तो नहीं हुई। कैसी वृत्ति? प्रकष्ट वृत्ति, जो जुड़ जाए तो फिर टूटे नहीं। तो फिर यहां ऊपर में जैसे लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट आएगा यहां, है ना, पीछे उनके ये माला है। पीछे कौन सी माला? पीछे उनके ये माला। उनके पीछे कौन सी माला है? ये माने क्या? जो देवताओं की माला है वो पीछे होगी कि आगे होगी? पीछे होगी ना। तो फिर अच्छा, उसके ऊपर में है वो फूल, है वो फूल, उसको कहेंगे वो फूल है बाप। तो जब माला फेरते हैं ना बच्चे, तो फेर 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 करके पिछाड़ी में आकर के मत्था टेकेंगे। किसको है मत्था? किसको टेकेंगे? जो एकदम फूल हल्का फुल्का बन जाता है, है? देहिमान होगा तो हल्का फुल्का होगा नहीं, भारी हो जाती है मन बुद्धि। तो फिर पूरी माला सिमरण करके फिर पिछाड़ी में आकर के उसको माथा टेकते, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को समझाया है। अभी तुमको समझाया जाता है, है? शिव बाबा ने जो फूल है, है? वो शिव बाबा फूल चक्कर में नहीं आते हैं। अभी है, अभी शूटिंग काल में चक्कर में आते हैं,
शूटिंग में भी किसी के चक्कर में नहीं आते हैं तो फिर ब्रॉड ड्रामा में भी चक्कर में कैसे आएंगे? कहेंगे जन्म मरण में नहीं आते हैं। हां फिर इसमें आते हैं, अब ये नहीं कहा इन में आते हैं, क्या कहा इसमें आते, इसमें माने दो में आते हैं। अच्छा हाँ, मुकर्रर रथ में आते हैं तुमको ये बात समझाने के लिए। क्या है? क्या बात समझाने के लिए कि तुम बच्चे डायरेक्ट जो रुद्र यज्ञ रचा जाता है ना, क्या नाम देते हैं यज्ञ का? नाम ब्रह्मा यज्ञ नहीं देते, विष्णु यज्ञ नहीं देते, कृष्ण यज्ञ नहीं रहते, क्या नाम देते हैं? रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो जरूर रुद्र माने रौद्र रूप विकराल रूप धारण करे तो कोई में प्रवेश करेंगे ना, तो जिसमें प्रवेश करते हैं उसके लिए कहते हैं है रुद्र ज्ञान यज्ञ। फिर कहते हैं महारुद्र। महारुद्र का क्या मतलब? हा कि ये 2500 वर्ष का जो भक्ति मार्ग है उसमें भी महान ते महान रौद्र रूप धारण करने वाला है। करता है कि नहीं है? करता है। और यहां यहां तो मैं जब प्रवेश करता हूं तब कहा जाता है क्या महारुद्र? दो को मिलने से महा कहा जाता है, ये एक के मिलने से एक कैसे मिलेगा? तो बताया ये इनका और कोई भी कनेक्शन नहीं है। किनका? इनका किसको कहा? पहले कहा इसका, अभी कहा ये इनका। किनका? ये जो चार मुखों वाले ब्रह्मा हैं, इनका और कोई मेरे से कनेक्शन नहीं है। ये शरीर निर्वाह, ये अपना शरीर निर्वाह करता है। कौन है? ब्रह्म शरीर निर्वाह अपना करता है। उनका काम है आकर के बैठना। किनका? उनका। उनका माने किनका? उनका माने एक का है या दो का है? दो का। किनका किनका? दो का। उनका काम है इनमें आकर बैठना। इनमें माने किनमें? जो चार ब्रह्मा के मुख हैं इनमें आकर बैठना। शिव और शिव कहें और शिव समान कहें है, जो शिव समान बनता है और जो शिव है ही सदाकाल, तो आकर के उनको बैठना है और तुमको ज्ञान देंगे। क्या? इनमें आके बैठता हूं तो तुमको ज्ञान देता हूं या नहीं? नहीं। अच्छा बेसिक ज्ञान कौन देता है तुम्हें? हाँ देता है ना। हाँ तुमको ज्ञान देना, नहीं तो ज्ञान कैसे देवे? ज्ञान बेसिक को भी तो ज्ञान कहा जाएगा ना, नहीं तो ज्ञान कैसे देवे? तो ओ, बेसिक ज्ञान देने के लिए भी
जगह चाहिए ना। हा तो वो जैसे तुम लोग का कोई मरता है, मनुष्य मरता है ना, तो उनको बुलाते हैं, वो ब्राह्मण के तन में बुलाते हैं, भाई आज बाबा का हमको वो है पितर है, हमारे लौकिक बाबा का पितर है, तो पितरों को खिलाते हैं, खिलाते हो ना, तो फिर उनको याद करके खिलाते हो ना, है? खिलाते हो कि नहीं है? नहीं खिलाते तो तुम किसको खिलाएंगे है? तुम किसको खिलाएंगे है? अरे पितर से कुछ मिला था ना, हाँ, तो फिर उनको कुछ बुलाएंगे तो उनको कुछ आवभगत नहीं करेंगे, खिलाएंगे नहीं है, तो तुम किसको खिलाएंगे? अरे अरे जल्दी बताओ, जो बाबा तो अभोक्ता है, वो खाता है, है? अरे जिसने बेसिक नॉलेज दी उसका कोई एहसान नहीं, कोई उजूरा नहीं देंगे है? अरे वो तुम ब्राह्मण बच्चों के पितर हुए या नहीं हुए है, तो उनका सम्मान नहीं करेंगे हा? तो तुम किसको खिलावेंगे, किसको भोग लगावेंगे है? भोग लगावेंगे या खुद के लिए बनाते हैं, खुद ही खा जाएंगे है? हा जो तुम्हारे पितर हुए हैं ना है, ब्रह्मा सरस्वती, उनका ज्ञान सुना है ना बेसिक में, तो पितर समझ करके खिलाना है, तो उनको याद भी करना होता है, है? हा आज किसका भाई पितर, वो इतने मास हुए है, इतने साल हुए, भाई सब पुत्रों को बुलाना है, मम्मा को, बाबा को, जो जो भी गुजर गए, वो तो लौकिक में करते थे, और अब किस में करेंगे है? अब किस में करेंगे है? अरे अलौकिक दुनिया में पितरों को याद करेंगे कि नहीं है, कि एहसान फरामोश हो है, खुद को बनाते हो, खुद ही खा लेते हो है? अरे करेंगे कि नहीं करेंगे? हा मम्मा को, बाबा को, जो गुजर गए हैं है, उनको बुलाना है, बुलाना है, क्या वो आएंगे, क्या आएंगे है? किसे में आएंगे, कहां आएंगे, एक्स वाई जेड कोई भी ब्राह्मण में प्रवेश कर जाएंगे, जैसे तुम लौकिक में करते थे, कोई भी ब्राह्मणों को बुलाते थे, उनमें आ जाते थे, ऐसे आएंगे है? आएंगे कि नहीं आएंगे है? जब वहां जहां ब्रह्मा भोजन हो वहां, यहां तो ब्रह्मा भोजन होता ही नहीं, ना हम ब्राह्मण है ना ब्रह्मा भोजन खाते हैं, ऐसे ना, जहां ब्रह्मा भोजन होता है ऐसे ही लिखा ना, हाँ जहां ब्रह्मा भोजन होता है वहां ऐसा करेंगे, नहीं तो अपना बनाएंगे, खाएंगे, मस्त रहेंगे है? और गीता में क्या लिखा है, गीता में भी लिखा है क्या, जो अपने लिए ही बनाते हैं, खाते हैं, और जो देव आत्माएं बनने वाली हैं, हैं या बनेंगी, या हैं ही देव आत्माएं, क्या किसी को दुख देने वाली आत्माएं हैं, नहीं तो उनको नहीं खिलाते हैं, खुद बनाते हैं, खा लेते हैं, तो ब्रह्मा भोजन हुआ, हाँ ब्रह्मा भोजन तो नहीं हुआ, तो ब्राह्मण में बुलावेंगे या नहीं बुलावेंगे, अरे स्मृति से ही बुलाया जाएगा ना, हाँ
तो जो गुजर गए हैं उनको बुला लेंगे। अच्छा, आगे तो वो आते थे लौकिक में, जो पितर होते थे वो आते थे ऐसे। अभी आते कोई शरीर छोड़ करके जहां तहां थोड़े ही आते हैं, है? आते हैं शरीर छोड़ करके आते हैं नहीं। पर ये ड्रामा में एक राज है, क्या? जो बाप बैठ करके समझाते हैं, क्या क्या राज है? भावना का राज है, क्या? भाव प्रधान विश्व रचि राखा, तो भावना प्रधान होनी चाहिए। वो बाप बैठ करके समझाते हैं तो जो बुलाया जाता है, भाई मैं अपनी स्त्री का वो सम्मान करता हूं, श्राद्ध करता हूं, श्रद्धा विश्वास से बुलाता हूं, उनको भोग लगाता हूं, ब्राह्मणों को खिलाता हूं। किसके लिए खिलाते हो? हैं? किसके लिए खिलाते हो ब्राह्मण को? खिलाते तो ब्राह्मण को हैं, लेकिन किसके लिए? भावना क्या है अंदर? है पितर के लिए खिलाते हैं। तो हम स्त्री का ये ब्राह्मण को खिलाते हैं। अरे तुम खिलाते हो ना, भक्ति मार्ग में खिलाते थे कि नहीं? हाँ। पूछा, खिलाते हो ना? माने अभी भी तुम अपने पितरों को, तुम्हारा नया जन्म हो गया, तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बन गए, तो अब इस जन्म में तुम अपने पितरों को खिलाते हो ना? ना क्यों लगा दिया? ना लगा दिया तो हम भी ना ही करेंगे, क्या? ना लगा देते हैं। हां गए तो हम भी हां गए। अच्छा, तुम लोग में रिवाज है या नहीं है, तुम ब्राह्मणों में? क्योंकि नौकुरियों के ब्राह्मण होते हैं, कोई नीची कुरी के ब्राह्मण होते हैं, क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाले, मुसलमान धर्म में कन्वर्ट होने वाले, इस्लाम बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होने वाले, वो तो भोग भोग नहीं लगाते। लगाते हैं? लगाते हैं पितरों को? कहां पितरों को भोग लगाते हैं, वो तो जन्म को ही नहीं मानते, पुनर्जन्म को। जब पुनर्जन्म को ही नहीं मानते तो भोग किसको लगाएंगे? लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। हाँ, तो इसलिए यहां भी जो कम कुरी के ब्राह्मण होंगे, हैं, यहां आए तो हैं किस लिए? यहां आए हैं अव्वल नंबर का सूर्यवंशी ब्राह्मण बनने के लिए। लेकिन अगर पिछले संस्कार होंगे, अभी वो ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठा है कि पुत्रों का सम्मान करना चाहिए, है? हाँ, तो फिर नई बात बैठी है। तो पता नहीं तुम लोगों में वो रिवाज अभी चल रही है कि नहीं चल रही है, पूछ लिया बाबा ने। चल रही है क्या? अरे रिवाज वो चल रही है पितरों को भावना से बुलाने की, स्मृति में बुलाना और ब्राह्मण में खिलाएंगे तो ब्राह्मण को ही, तो वो रिवाज चल रही है, वो श्रद्धा विश्वास है, नहीं है? अरे ब्राह्मण हो कि नहीं? कौन सी गुरी के ब्राह्मण हो? अव्वल नंबर गुरी के लड्डू, अव्वल नंबर गुरी के ब्राह्मण है। वो दुनिया वाले तो कहते हैं ब्राह्मण के, हम हिंदू हैं, तो भी उनसे कहा जाता है, अच्छा हिंदू धर्म बेटा जे जे धर्म है। अरे मुसलमानों में मम्मा पापा के प्रति कोई भावना नहीं होती है तुम्हारे अंदर, तो तुम मुसलमान तो नहीं रहे ना, अब क्या हो गए? अब तो ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हो गए। तो तुम लोगों में पूछा, रिवाज है या नहीं है? अरे याद नहीं आ रहा है? अरे रिवाज चालू है कि नहीं? चालू है, भोग लगा रहे हो ब्राह्मण को? अरे ये क्या हो गया? नहा ना,
भूख लगा रहे, अच्छा भूख लगा रहे थे खुद खा जाते है? जब भोग लगाया जाता है, ब्रह्मा भोजन किया जाता है, सब साथ साथ मिलकर के खाते हैं कि अकेले अकेले खा लेते हैं इकट्ठे, कोई खाएगा कोई नहीं खाए, कोई इधर कोने में कोई उधर कोने में कोई उधर कोने में, हम वहां जाके उधर कोने में खा लेंगे अपना, ऐसे तो नहीं है। अरे ब्रह्मा भोजन होता है तो ब्रह्मा को ब्रह्मा बताते हैं, क्या बताते हैं कि ब्रह्मा भोजन का रसम रिवाज क्या है। पहले संदेशियां जाती थी ना, संपूर्ण ब्रह्मा को भोग लगाती थी, फिर उसके बाद दादा लेखराज ब्रह्मा ने भी शरीर छोड़ दिया तो उनको भोग लगाने जाती थी ना, तो वो परंपरा तुम बच्चों में अभी चलती है या नहीं पूछा है ना रिवाज। अच्छा सब में है या कोई कोई में है? सब जातियों में भी है, है? यहां जातियां कैसे, अलग अलग कुरी के ब्राह्मण हैं तो अलग अलग कुरी के जाति हुई गई ना, कोई भारद्वाज गोत्र, कोई सांडिल्य गोत्र, कोई क्या, कोई अलग 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 ऋषियों के गोत्र बताते हैं ना। हाँ। अच्छा वो धामा लेकर के जाएगा है, जो पितरों को खिलाने वाला होगा वो धामा लेकर जाएगा, पहले ब्राह्मण के पास जाएगा है? अरे ब्राह्मण जी महाराज हमारी स्त्री का धामा कबूल करो। क्या? क्योंकि धामा खाने वाले ब्राह्मण भी होते हैं कि नहीं? धामा खाने वाले दो तरह के ब्राह्मण होते हैं, एक धामा खाने वाले होते हैं और एक पूजा रचा करने वाले होते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। हाँ। वो सत्यनारायण की कथा करते हैं। हाँ तो धामा यानी इनविटेशन, निमंत्रण, निमंत्रण देते हैं ना ब्राह्मण। हाँ क्या हम इनविटेशन देते हैं है, हमारी स्त्री आवे, समझे ना, वो आ करके यहां है भोजन पावे। तो ब्राह्मण को वो भोजन भावना के आधार पर ब्राह्मण को वो धामा देना होता है। भावना है या असली बात है, वो जो आता है कोई पितर वितर खाने के लिए है नहीं? हाँ ये धामा उनके लिए घर में वो दंतन, दंतन ये जो होते हैं ना, ये फलाने सब तैयार करके रखते हैं। हा 7/10/1967 की प्रातः क्लास का चौथा पेज। तो पूछा तुम लोगों में रिवाज है क्या, ये बच्चियां ये बुढ़िया है, ये बुढ़े, बुढ़े तो सबको ही है कि नहीं, यहां बारहप्रस्थी है कि नहीं है, ये बुढ़े जानते होंगे है, जानते होंगे कि नहीं कि क्या रिवाज है। अच्छा फिर वो समझाते हैं कि हमारा स्त्री को भोग लगाता हूं है ना, जब आएंगे तब ऐसे ही उनको स्त्री का, स्त्री का आत्मा उसमें समझ करके भावना रख करके, अरे भावना भी कोई चीज होती है कि नहीं? हाँ नहीं, हाँ भावना रख करके समझ करके फिर उनको ब्राह्मण को देंगे, खिलाएंगे श्रद्धा भावना से, पिलाएंगे बड़ी रुचि से खिलाएंगे। श्राद्ध होते हैं ना, श्राद्ध के दिनों में महीना होता है वो क्वार, कौन सा महीना होता है, क्वार का महीना। हा तो बड़ी रुचि से खिलाते हैं।
अभी उनको आत्मा ध्यान में नहीं आएगी। क्या अभी किनको? ब्राह्मण को ध्यान में आएगी है? ब्राह्मणों को बताएंगे, फोटो वोटो दिखाएंगे, तब ही ध्यान में आएगी कि ब्राह्मण को अपने आप आ जाएगी? नहीं, उनको आत्मा ध्यान में नहीं आएगी। अब शरीर तो आता नहीं है, आत्मा आती है, क्योंकि आत्मा ही खाएगी। आत्मा खाती है, है? आत्मा खाती है, आत्मा ही तो सब कुछ करती है। हा मना, ये भावना बुद्धि में रखी है, ये जो खिलाओ, ये जो तुम खाते हो, अच्छा ये शरीर, तुम शरीर से आत्मा जब निकल जाती है तो पीछे तो कुछ कुछ खिलाओ, तो वो खा के तो देखे। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है फिर खा के तो देखे, देखे नहीं। मुर्दे को क्या खिलाएंगे? जब आत्मा निकल जाती है खिलाओ, खाएगा कुछ? जब तक आत्मा नहीं है तब तक खाएगा कैसे? हा अरे, तो फिर आत्मा तो आई नहीं पितर की खाने के लिए ब्राह्मण में है, तो कैसे खाएगा? अरे, तो किसने खाया? आत्मा ने खाया ना, है? शरीर के द्वारा खाया। फिर आत्मा कहती है कि ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है, ये खट्टा है, ये तीखा है, ये किसने कहा? ब्राह्मण ने कहा ना। हाँ, आत्मा को सुख मिलता है ना बच्चे अच्छी चीज खाने से, तो उसको भी बुलाते हैं, तो वो ही है तो आत्मा। तो भारत में ये अज्ञान है क्या कि वहां भक्ति मार्ग में तो कोई आत्मा आती नहीं, और यहां? यहां तो तुम्हारी मम्मी और बाबा जिन्हें तुम कहते थे बेसिक में, किनको? ओम राधे मम्मा को, और किसको? दादा लेखराज को कहते थे मम्मा बाबा, तो वो अभी इस दुनिया में है या नहीं है, या कहीं कोई अम्मा के पेट में जाके गर्भ में जन्म ले लिया है ना? तो भूत प्रेतों को भी याद करते हैं, है? तो वो प्रवेश कर जाते हैं ना, तो तुम याद करते हैं, है? तो यहां की तो बात अलग है, वहां भक्ति मार्ग में तो अज्ञान में तो कोई पितर आते नहीं थे। परंतु ये रसम रिवाज कब की चली आ रही है भक्ति मार्ग में? इस संगम युग की ये रसम रिवाज चली आ रही है। अच्छा, फिर क्या बुलाते हैं उनको? खिलाते हैं, यानी वो होता भी है कभी कभी, किसको? साक्षात्कार भी होते हैं। पहले जब तामसी इतना युग नहीं था तो साक्षात्कार भी होते थे। अभी तुम बच्चों को भी तो साक्षात्कार कोई कोई को होते हैं ना, ब्राह्मणी साक्षात्कार में जाती है कि नहीं? हाँ, तो पीछे क्या देते हैं दान में है? अगर स्त्री हो का
पितर का स्त्री आत्मा होगी, स्त्री चोला वाली होगी, तो उसको पेश गिर देंगे, रवा देंगे, फलाना देंगे। अभी है खिलाना चाहिए फीमेल को, परंतु फीमेल किसकी है नहीं, तो फिर वो आजकल भक्ति मार्ग में तो मेल ब्राह्मण जाते हैं खाने के लिए कि फीमेल जाती है, मोस्टली मेल जाते हैं। तो फीमेल किसकी है नहीं है, तो मेल को भी खिला देते हैं। तो तुम क्या करेंगे, मम्मा की आत्मा को कैसे खिलाएंगे, क्या करेंगे है? अरे बोलो, अरे कोई दादी अम्मा को बुला के खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे, खिलाएंगे है, खिलाएंगे। अच्छा, मेल को खिला देते हैं, नहीं तो ये ला नहीं कहता है, क्या क्या कि स्त्री का निमंत्रण के लिए कोई मेल आवे, हाँ नहीं, ये कायदा नहीं है, फीमेल आनी चाहिए, ब्राह्मणी आनी चाहिए। पर यहां तो भारत में आजकल है, आजकल की तमो प्रधान अज्ञानी दुनिया, इनको समझ तो है नहीं पूरी, तो उन ब्राह्मणों को ही खिलाते हैं। किनको? उन ब्राह्मणों को ही खिलाते हैं जो क्या है, पुरुष है, स्त्री है, पुरुष है। तो फिर क्या समझ करके खिलाते हैं है? मैं स्त्री को खिलाता हूं यानी याद, उनको उनको याद आता है उस स्त्री का शरीर, और खिलाते हैं पुरुष तन को। अभी आत्मा याद आना चाहिए, वो नहीं, स्त्री का शरीर याद आता है, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो जानते ही नहीं है क्या कि आत्मा का रूप क्या होता है, जानते हैं तो बुलाएंगे, याद कैसे करेंगे? तो फिर उनको बैठ करके खिलाते हैं, स्त्री के चोले की याद में खिलाते हैं या आत्मा को बुलाते हैं है? चोले की याद में खिलाते हैं। तो ये भावना तो फिर ठीक नहीं हुई, क्यों क्यों ठीक नहीं हुई, क्योंकि तुम्हारी स्त्री को दूसरे पुरुष के तन में बुला के खिलाया, तो ये क्या हुआ, ये अच्छी बात हुई, ये तो खराब बात हो गई। तो देखो, फिर उस ब्राह्मण कोई पेशगीर पहनाते या साड़ी पहनाते, पहनेगी ब्राह्मण साड़ी पहनेगा नहीं पहनेगा, हाँ उनको कोई को होती है ना, तो कोई के पास फुली होती है सोने की, तो पहनाते हैं, समझा ना, कि उनकी ये आस थी, क्या आस थी, शरीर छोड़ने से पहले उनकी ये आस थी कि मैं हीरे की फुली पहनूं, सोने में हीरा जड़ते हैं ना, हाँ। तो देखो, ये बाबा अनुभव की बातें सुनाते हैं, तो फिर एक हीरे की फुली भी तैयार करके रखेंगे,
परंतु वो हीरे की फुली पहनने के लिए होनी चाहिए ब्राह्मणी है, पर ब्राह्मण को भी दे देते, ये रसम कहां से निकली? अरे बताओ, अरे ये गलत रसम निकली कि सही निकली? गलत। क्या निकली? अरे गलत निकली कि सही निकली? डब्बू, कुछ जवाब नहीं। गलत कि सही? अरे हां या ना, कुछ पता नहीं। अरे ये भक्ति मार्ग की बातें सब संगम युग की बातें हैं। संगम युग में जिस ब्राह्मण को शिव बाबा आकर के स्त्री और पुरुष दोनों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो वो स्त्री भी हो गई परम ब्रह्म और पुरुष भी हो गया प्रजापिता। प्रजापिता ब्रह्मा कंबाइंड हुआ कि नहीं? तुम्हारा बुद्धि में से ही बात निकल जाती, तो भावना कैसे आएगी? हा तो देखो, तो कह देते हैं ब्राह्मणों को भी दे देते हैं। हा ब्राह्मण वो फूली पहनेंगे है? अब यहां तो फूली की बात ही, फूली की बात है, यहां फूली की तो बात ही नहीं। यहां तो कानों के कुंडल भी है, नाक की फूली भी है, तो ये तो दिव्य गुणों का श्रृंगार है, दिव्य गुण रूपी है क्या ऑर्नामेंट्स के वो भक्ति मार्ग के स्थूल ऑर्नामेंट्स नहीं? अच्छा, तो वो ऐसे भावना रखते हैं कि हमारी स्त्री को दे देना। तो जिनको ब्राह्मणों को स्त्री होती है तो उसको दे देते, उनको पहना ही देते हैं। उस ब्राह्मण की जो स्त्री होगी ना, तो अपनी वो फुली निकाल करके उस समय में वो फुली को उनको पहनाए देंगे कि हमारी स्त्री को दिल थी हीरे की फुली पहनने की, फिर उन्होंने शरीर छोड़ दिया है, तो फिर वो मर गई। अभी हम उसको ये देता हूं है, तो ये भावना हुई ना। हा तो फूली देता हूं, तो ये भावना की बात क्यों घुसड़ दी? ये अज्ञान है या ज्ञान है? अज्ञान है कि ज्ञान है? लिखो, आ कि ग अज्ञान है। अच्छा, और संस्कृत वाली गीता में भी लिखा हुआ ना भाव है तो कितो सुखम, जिसमें भावना नहीं होती है उसमें योग भी नहीं हो सकता, ये भी गीता में लिखा हुआ है। क्या कहा? भावना होगी तो योग लगेगा, और भावना नहीं होगी तो योग भी नहीं लग सकता। तो देखो, ये समझने की बातें हैं, समझा ना? बाबा एक निमित्त मात्र एक बात बतलाते हैं, नहीं तो बतलाने की बातें तो बहुत हैं कि ये जो ब्राह्मण खिलाते हैं ये क्या क्या करते हैं। तो बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं, तो ये भक्ति मार्ग है क्या? वो जो ब्राह्मणों को खिलाते हैं है, तो उनकी आत्मा आती है क्या? और यहां, अरे यहां तुम स्मृति करेंगे तो उस आत्मा को स्मृति पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? हा तो यहां की बात अलग, यहां तो ये ज्ञान की बात हुई कि अज्ञान की बात हुई है? क्या हुई, क्या बात हुई? यहां तो ज्ञान की बात हुई, यहां तो भावना भी पक्की ज्ञान की है ना,
हाँ ऐसे तो नहीं कि नहीं है जाकर के दूसरे शरीर में गर्भ में जाके जन्म ले लिया हो आत्मा ने, ऐसे तो नहीं। तो अभी तो वो गई है, उसका शरीर गया, उसने जाकर के फुली बुली दूसरी पहनी होगी या अभी कुमारी होगी या पता नहीं क्या होगा, भक्ति मार्ग में ऐसे सोचेंगे। ये सब ज्ञान वहां भक्ति मार्ग में ये सारा निकल जाता है, और यहां तुमको इन बातों का ज्ञान है या नहीं? नहीं है। यहां तुमको इन बातों का ज्ञान है तो तुम बच्चों को ये सारा ज्ञान अभी मिल रहा है। क्या? कि कहां भावना सच्ची और कहां भावना झूठी, कहां श्रद्धा सच्ची कहां श्रद्धा झूठी, अंधश्रद्धा। और यहां तो अंधश्रद्धा कहेंगे, यहां अंधश्रद्धा तो नहीं कहेंगे। तो तुम बच्चों को तो ये ज्ञान मिला, इसलिए तुमको कभी भी कोई के जाने की या मर जाने की ये बच्चियों को भी कभी भी नहीं बात बुद्धि में आएगी। क्योंकि बाबा ने समझाया ना कि एक बच्ची थी यहां है शांता नाम की, अभी जयपुर में है। कहां है? जयपुर में। अच्छा, जयपुर में है, हारपुर में नहीं है, है? हारपुर में हो तो हार हो जाएगी, और जयपुर में होगी तो जीत हो जाएगी। तो जयपुर में है। अच्छा हाँ, वो जयपुर में थी तो उनका मां मर गया है? हाँ, उनका मां मर गया, बाबा को वो याद आई कि मर गया है ना, तो उनको उनको बीमार थी तो उनको लिखा कि तुम्हारी मां सख्त बीमार है, जल्दी आओ। तो फिर बिचारी वहां से रवाना हुई और वहां पहुंची तो मर गई। क्या? हाँ, परंतु ये बच्ची ये पहले पहले गई थी सेंटर पर, समझा? सेंटर पर गई तो उनको मालूम पड़ा मेरी मां मर गई, वहां वहां सेंटर पर उनको मालूम पड़ा तो बोला, अच्छा ये प्रसाद तो हमको खिलाओ है। कौन सा प्रसाद? ये जो सेंटर में भोग लगता है ना, ये प्रसाद तो हमको खिलाओ, पीछे हम जाएंगे। तो बाबा समझाते हैं ना, क्या समझाते हैं बाबा? कोई भी मर जाए तो तुम रोना नहीं, अम्मा मरे तो भी हलवा बना के खाना, बीवी मरे तो भी हलवा बना के खाना। अच्छा, तो उसने पहले पहले बोला, पहले तो मुझे भोग खिलाओ, तो यह भोग का हलवा बाद में खाना है, पहले मुझे खिलाओ। किसने बोला? जो मर गई थी ना वो आत्मा ने, वो बोला मुझे खिलाओ, तो मुझे खिलाओगे तो पीछे हम यहां से जाएंगे। हाँ, पीछे जाएंगे हम। तो उस दिन सच पच्च कोई मिठाई विठाई जो बनती है ना,
वो खाए करके वो पीछे बाद में चली गई वहां से। अब वो बच्ची सेंटर से गई, वहां गई तो मरी है, तो वहां गई। अच्छा देखो ये फिर वहां तो सारे ही रुदन करते हैं, जहां मर गई सारे ही रुदन करते हैं। बोला रुदन क्यों क्यों क्या हुआ, रुदन काहे का करते हो हैं, रुदन क्यों करते हो? ये शरीर छोड़ करके, ये पुराना छोड़ करके जा करके नया शरीर लेगी ना है? पुराने शरीर में तो दुख तकलीफ थी है? नए शरीर में तो अच्छा शरीर मिलेगा, तो शरीर ले लिया और फिर वो बच्ची बन गई या बच्चा बन गया, समझा? ये दुख से, बीमारी से, बुढ़ापे से, बुढ़ापे के दुख से छूट गई ना, मौत का दुख भी छूट गया, बुढ़ापे का दुख भी छूट गया, तो वो जा करके दूसरा शरीर लिया। तो उस बच्ची में ये ज्ञान तो था ना, तो वहां जाकर के उन लोगों को सुनाया कि तुम लोग रुदन क्यों करते हो, क्यों रोते हो? हाँ। अभी देखो मां रोती है हाँ? और वो बैठ करके ज्ञान देती है हाँ? और वो रोते हैं, आंसू बहाते हैं, आंसू बहाते जाते हैं, म्याऊं म्याऊं करते जाते हैं। उनके पीछे उनका बीमार पड़ गया बाप या बच्ची का हाँ। तो फिर उनको चिट्ठी आई कि तुम्हारा बाप सख्त बीमार है, बच्ची सेंटर में वापस गई हो तो फिर चिट्ठी आई तुम्हारा बाप सख्त बीमार है। अब बिचारी वहां पहुंची और बाप भी मर गया। तो फिर गया वहां तो सच सच उसी दिन वो हलवा, ये सेंटर में बनाते हैं ना शीरा, आटे का घी का खांड का वो भोग बनाया था। तो पहले पहले तो हमको भोग खिलाओ, वो बाप की आत्मा ने कहा, पीछे हम जाएंगे है, हमको भोग खिलाओ पीछे हम जाएंगे। उनको किनको? तुम्हारी अम्मा को समझाने के लिए। अच्छा तो देखो कहां ज्ञानियों का अज्ञानी, तो यहां अगर कोई इन बातों को सुनेगा तो फिर यहां भी शुरू रोना कर देगा और रेल में भी रोती रोती जाएगी तो घर में भी रोती रोती जाएगी। तो देखो उस भक्ति मार्ग की दुनिया में और यहां तुम बच्चे ज्ञान में चलते हो तो कितना फर्क हो जाता है। ओम शांति।